तमाम दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है और समाचार के साथ मैं उपस्थित हूं मनीष कुमार झा। जैसा कि मैं आपको बताता रहा हूं कि समाज उपयोगी समाचार देना हमारा लक्ष्य रहा है, समाज में क्या परिवर्तन हो रहा है वह दिखाना हमारा लक्ष्य रहा है, सनसनीखेज समाचार दिखाकर टीआरपी बढ़ाना हमारा कभी लक्ष्य नहीं रहा है। अभी जैसा कि आप जान रहे हैं कि कांग्रेस एकजुट होने का प्रयास कर रही है और अपने निचले स्तर के कार्यकर्ताओं में जान फूंक रहे हैं ताकि आने वाले समय में कांग्रेस फिर से मजबूती के साथ खड़ा हो सके और भाजपा को टक्कर दे सके। अभी एक ओर जहां राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं, वहीं उनकी पूरी टीम अलग अलग राज्य के अलग अलग प्रखंडों में कार्यकर्ताओं को जोड़ने जगाने में लगी है। आपको मैं एक सूचना दूं कि धनबाद में गोविंदपुर प्रखंड का अध्यक्ष बनाए गए हैं जो हमारे साथ हैं, मनोज आर्य जी। ये पूर्व में मुखिया रहे, अभी इनकी पत्नी यहाँ देख रही है वो मुखिया है और इन्हें एक बड़ा दायित्व मिला है। हम जानने का प्रयास करेंगे कि जो पिछला स्थिति रहा, यहाँ प्रखंड अध्यक्ष भी थे, कांग्रेस को एकजुट करने का प्रयास भी किया गया जिस समय लोकसभा का चुनाव था, कितना संगठित हो पाया, क्योंकि परिणाम यहाँ भाजपा ही के पक्ष में जाता है। आखिर रीजन क्या रहा? क्या कांग्रेस अपने बात को जन जन तक नहीं पहुंचा पाते? क्या लोग सुनना पसंद नहीं करते हैं? क्या है मुद्दा और क्या रहेगा इनकी चुनौती, हम उस पर विस्तार से चर्चा करना चाहेंगे। सबसे पहले तो स्वागत और शुभकामना आपका कि आप पद पर आए और आपको धन्यवाद। सबसे पहला प्रश्न आपसे यही रहेगा कि आप चुनकर आए, पिछला जो आप देखे, जो हम अभी बात किए कि चुनौती रहा है, यहाँ भाजपा अपना दबदबा दिखा रहा है, कांग्रेस कहीं ना कहीं पिछड़ता नजर आ रहा है, यहाँ के कार्यकर्ता एकजुट नजर नहीं आ रहे हैं, क्या चुनौती रहेगा फिर? सबसे पहले मैं आप सभी को अपना प्रणाम जोहार धन्यवाद करता हूँ और आपके चैनल को भी आपको साधुवाद करता हूँ। और अभी हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा हमारे शीर्ष के नेताओं ने हमारे आदरणीय प्रभारी श्री अविनाश पांडे जी, हमारे प्रदेश के कर्मठ जुझारू प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री राजेश ठाकुर जी, हमारे जिला के लोकप्रिय जिला अध्यक्ष माननीय श्री ब्रजेंद्र प्रसाद सिंह जी और तमाम जितने भी पदाधिकारीगण हैं, मैं सभी का दिल से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं पूरा कांग्रेस की टीम को कि उन्होंने हम पर एक भरोसा जताया है, विश्वास जताया है कि गोविंदपुर प्रखंड के हमारे कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता हैं, हमारे ग्रामीणगण हैं, सभी के बीच में हम अपने कांग्रेस के मजबूत विचारधारा को जन जन तक सभी पंचायतों में, पंचायत के सभी राजस्व ग्रामों में एक एक जन जन तक जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विश्वास जताए, उसके लिए आभार। प्रश्न यही था कि चुनौती, क्योंकि आपने देखा है कि पिछले समय से कहीं ना कहीं जनाधार घटता नजर आता है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ एक्टिव नजर आते हैं, इंद्रजीत महतो जीत के आए सिंधरी विधानसभा क्षेत्र से, गोविंदपुर उसी में आता है, तो फिर से कलेक्ट करना कितना चुनौती है, ये प्रश्न। चुनौती भरा तो है ही और शायद किसी के लिए शीर्ष के नेताओं ने मुझ पर विश्वास किया है, तो मैं इसको पूरे चैलेंज के रूप में लेता हूँ आज से, और मैं पूरे ईमानदारी पूरे निष्ठापूर्वक मैं अपने पार्टी के लिए काम करूँगा और आज से ही मैं अपने कार्य पर लग गया हूँ। एकदम हमारे प्रखंड में 39 पंचायत हैं, 39 पंचायत में जितने भी रेवेन्यू विलेज हैं, राजस्व ग्राम हैं, मैं सभी जगह जाकर के संगठन को खड़ा करने का काम करूंगा और राजस्व ग्राम में संगठन के बाद मैं बूथ स्तर पर बूथ कमेटी का भी निर्माण, मैं आपको बता दूं कि विगत लगभग हम 1 से 1.5 महीना के अंदर में आपको पूरा मजबूती के साथ पूरा प्रखंड का पूरा टीम को मैं बना करके दूंगा और मैं जो कांग्रेस का मेन विचारधारा है इसको मैं जन जन तक पहुंचाने का काम। कहावत है कि असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो,
क्या भूल हो गई समझो और सुधार करो। आज से आप लग गए, पिछला क्या कुछ अनुभव आपको आया, कहां मिस हुए थे उसके बारे में आप बताएं। जी हमारे जो भी जनता ने हमेशा हम लोग देखते हैं कि कम्युनिकेशन गैप, चाहे हमसे हो चाहे किसी भी कार्यकर्ता से हो, संगठन सर्वोपरि होता है कार्यकर्ता से। कार्यकर्ता यदि चूकते हैं कहीं पर तो उसका खामियाजा संगठन को भुगतना पड़ता है, आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ता है। तो हम इन सब खामिया को हम लोग सबसे पहले अपने कमी को मानेंगे और अपने कमी को दूर करते हुए उन सब चीज़ों पर बारीकी से ध्यान देंगे कि जनता का किस तरह से काम हो। खास करके अभी हमारे यहाँ झारखंड में हमारे गठबंधन की सरकार है, मैं एकदम आज से ही, मैंने जैसे आपको कहा कि एकदम लक्ष्य लेकर के उतर गया हूँ मैदान पर, कि जो हमारे झारखंड सरकार द्वारा जिस तरह का भी लाभ हो अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाना, ये हमारा प्रथम लक्ष्य रहेगा। कि जो भी हमारे सुविधाएं आ रही हैं, जैसे अभी आप लोगों ने देखा कि हमारे आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को मानदेय का प्रोत्साहन दिया गया, उन लोग को बढ़ाया गया, ये सब चीज़ों को लेकर के हम जनता के पास जाएंगे। हमारे जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जो हमारे यहाँ के लोग आज कितने दिन से झारखंड अलग होने के बाद इस चीज़ों का परिकल्पना करते थे, कितने आंदोलन लोग करते थे, 1932 का खतियान, जो हमारे गठबंधन की सरकार ने, हमारे कांग्रेस ने इसको एकदम तरजीह देते हुए लोगों को सम्मान को रखा, झारखंड की मानसिकता को, लोगों के भावना को समझा और उसको 1932 लागू करवाने का भी काम किए हैं। ये सब मुद्दे लेकर के हम लोग जनता के पास जाएंगे। अभी 27% आरक्षण लागू किए हैं हमारे गठबंधन की सरकार ने, ये सब चीजों को लेकर के हम जनता के पास जाएंगे। कहीं ना कहीं मनोज जी, ये जरूर आपको मानना होगा कि सोशल मीडिया के क्षेत्र में प्रचार प्रसार में कांग्रेस में कमी रही है। दो उदाहरण मैं देता हूँ। पहला कि उन्होंने जो कहा था कि एक तरफ से आलू डालो दूसरे तरफ से सोना निकलेगा, राहुल गांधी जी ने कहा था। इसके बाद उन्होंने नाम किसी और का लिया था, वो कहते हैं मैं नहीं कहा था, लेकिन जनता तक वही पहुंचाया गया जो वो लोग चाहते थे। यानी आपके कार्यकर्ता कहीं ना कहीं आलसी थे जो जनता तक पहुंचा ना पाए। अभी हाल में जो आया कि आटा कितना रुपया लीटर के भाव से आता है, इसके बाद उन्होंने सुधार किया, परंतु जनता तक ये बात पहुंच नहीं पाई। जनता के पास यही पहुंची कि इन्हें यह भी ज्ञान नहीं है कि आटा किलो से माप कर दिया जाता है या लीटर से, तो जन जन तक कैसे पहुंचाएंगे इसे। जी ये बहुत बड़ा आपने सवाल किया है और इसी का खामियाजा हम लोग को भुगतना पड़ रहा है। जो आज सेंट्रल की सरकार हम लोगों की नहीं है दो टर्म से, ये इसी का खामियाजा है। चूंकि मीडिया के द्वारा जो कुछ तथाकथित मीडिया के लोग हैं, सभी नहीं कुछ लोग हैं जो उसको वन साइडेड करके दिखाते हैं। मान लीजिए राहुल गांधी जी ने उस समय अपने संबोधन में ये कहा था कि इधर से आलू डालो उधर से सोना निकलेगा, लेकिन बाद का जो थी था कि ये शब्द मेरे नहीं है, ये मोदी जी के द्वारा किया गया कहा गया था, लेकिन ये सब चीज़ों को पूरा नहीं दिखाया जाता है, उसको काट करके उसको ये करके लोगों को भ्रमित करने के लिए इस सब चीज़ों को परोसा जाता है। तो इसमें हमारी भी कमी है कि हम लोग मीडिया से बहुत तरह से रूबरू नहीं हो पा रहे हैं, सोशल मीडिया से हम लोग लोगों तक प्रचार प्रसार नहीं कर पा रहे हैं। ये सब चीजों को लेकर के आज राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं कि जो लोग, जो मीडिया हमारी बातों को नहीं सुनते हैं, नहीं सुनाते हैं लोगों को, तो हम खुद जा करके भारत जोड़ो अभियान के तहत लोगों तक हम अपनी बात को पहुंचाने जा रहे हैं। और सोशल मीडिया और हमारे जो स्थानीय मीडिया के बंधु लोग हैं, उनके माध्यम से लोगों तक, जन जन तक पहुँचाने का काम करेंगे। क्या लग रहा है कि सोशल मीडिया के साइट को मजबूत करेंगे, क्योंकि जो जितने भी मीडिया वाले हैं वो तो लगभग सही दिखाते हैं जिससे लोगों को जानकारी मिलता है, लेकिन सोशल मीडिया, क्योंकि ये जो पक्ष हैं और विपक्ष हैं, अपनी बुराई को दबा लेना, दूसरे के बुराई को उभारना, अपनी अच्छाई उभारना, ये तमाम चीज जो चल रहा है, हर एक पार्टी, ये नहीं सिर्फ बीजेपी ही, कांग्रेस, जेएमएम जो भी है, सब अपने ओर से करते हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें पिछड़ रहे हैं। इसको मजबूत करने के लिए क्या व्यवस्था बनी। इसीलिए इस बार आपने देखा होगा शीर्ष के नेताओं ने काफी बारीकी से इन सब चीजों पर अध्ययन किया है। इस तरह से अब हमारे शीर्ष के नेताओं ने ये निर्णय लिया है कि नहीं, हम काम एकदम मजबूती से कर रहे हैं, धरातल तक पहुंचाने का काम करें। और अभी जो महंगाई की
मार चल रही है, जो चरम सीमा पर महंगाई है, जिसके दम पर बीजेपी शासन में आई थी केंद्र में, और उसी से जस्ट विपरीत आज गैस का दाम आप देख लीजिए, जो एकदम जरूरत का सामान है, डेली का उपयोग का चीज है, आप खाद्य सामग्रियों में देख लीजिए, तेल का दाम देख लीजिए, आप पेट्रोल डीजल का दाम देख लीजिए, तो और हर चीजों में, जैसे आपको नमक तक में आपका क्या कहते हैं कि जो जीएसटी लागू कर दिया गया है, दवाइयों में जीएसटी लागू कर दिया गया है, तो इन सब चीजों को अब जनता भली भांति जान रही है। सिर्फ हम लोगों का दायित्व ये है, कर्तव्य ये है कि हम लोग अब गांव-गांव जा करके, विलेज में जा करके, सब ग्रामीणों से बैठ करके इन सब चीजों पर चर्चा करेंगे, उनको बताएंगे, उनको समझाएंगे, और उनसे हम लोग कुछ सीखने का काम करेंगे कि अगला स्टेप हम लोग को क्या रहेगा, आपका डिमांड क्या है, आप लोग की कमियां क्या है, ये सब चीजों को सरकार तक पहुंचाना मेरा काम रहेगा। आखिरी प्रश्न मनोज जी लेंगे आपसे कि जिस समय सब्सिडी की बात हुई थी, पेट्रोल महंगा हो गया है तो राज्य सरकार 10 लीटर तक 25 रुपया के सब्सिडी, इसमें लोग ले नहीं पाए, जिसको छलावा माना गया, तो इस बात को कैसे जनता तक पहुंचाएंगे या जनता की बात सरकार तक पहुंचाएंगे, संशोधन हो या आखिरी जी? ये आपका कहना एकदम बिल्कुल सही है, बहुत सारे चीजों को लागू किया जाता है, लेकिन उन तक पहुंचना ये बहुत ही कठिन सा होता है कि बहुत लोग जागरूक नहीं होते, तो इन्हीं सब चीजों के लेकर के मैंने कहा ना कि इस पर बारीकी से संगठन ने तय किया है कि जो भी हमारा एक सदस्य भी अगर विलेज लेवल में है, तो उस तरह के पढ़े लिखे लड़का लोगों को और जानकार लोगों को संगठन में जगह दिया जाए, ताकि वो जनता को सही चीज बता सके, और जो जन उपयोगी सुविधाएं सरकार से मिल रही है, हमारे जो ये 25 रुपया का जो अनुदान देने की बात है, ये बहुत जगह में मिल रहा है, ले रहे हैं लोग, वो तो जागरूक नहीं है, उसका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, इन सब चीजों को लेकर के हम लोगों को जागरूक करेंगे, उन लोगों को बताएंगे कि आपको सब्सिडी मिलना है, आपको लाल कार्ड का जो आप लोग जो उस दायरे में आते हैं वो लोग, आप लोग जाइए पेट्रोल पंप में उसका सब्सिडी लीजिए, तो इस सब चीजों को लेकर के हम जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे मनोज हाड़ी जो हमें बता रहे थे कि इनको जो प्रखंड अध्यक्ष का पद मिला है, इसके बाद लोगों को ये कैसे जोड़ेंगे, लोगों तक सरकार की बात कैसे पहुंचाएंगे, कांग्रेस की क्या नीति रही है, क्या बदलाव हुआ है और कैसे वह समाज उपयोगी हो सकता है, ये बात जन जन तक पहुंचाने के लिए इन्होंने संकल्प लिया है। अब यह देखना होगा कि आने वाले, जैसा इन्होंने कहा है कि 1 से 1.5 महीना में रिजल्ट होगा, हम निश्चित प्रयास करेंगे आपको 2 महीने के बाद फिर से एक बार दिखाएं कि कितना परिवर्तन हुआ और कितना कांग्रेस मजबूत हो पाई है गोविंदपुर प्रखंड में। अभी के लिए आप हमें दें यहाँ से अनुमति। नमस्कार।